खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सीधा आरबीआई की। आरबीआई की ओर से कठोर पाबंदियां झेल रहे देना बैंक ने उम्मीद जताई है कि उसे जल्द ही राहत मिल सकती है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में देना बैंक के ईडी रमेश सिंह ने कहा है कि बैंक का पूरा फोकस रिकवरी पर ही होगा। रमेश सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। पिछले मई महीने से जो लोन पर पाबंदी लगी हुई है रेगुलेटर द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, तो वो उसके चलते हमारा जो लोन जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है, और वो नहीं बढ़ पा रहा है तो हमारे जो एनपीए बढ़ते उससे ये प्रतिशत ज़्यादा दिखाई दे रहा है हम लोगों का, तो इस ये कारण था। दूसरे जो रही बात हमारे प्रॉफिटिबिलिटी की, तो आपने देखा होगा कि हमने 1200 करोड़ रुपये मार्च में जो लॉस बुक किया था वो 721 करोड़ रुपये आ गया है, और अभी आने वाले इस सितंबर क्वार्टर में हम लोग भी इस बात से पूरी तरह से अपने ताकत झोंक दी हमने कि अभी हमारे पास जब लोन नहीं हो रहा है तो हम लोग को एक ही काम बचा हुआ रिकवरी करना, और हमारे पिछले तिमाही में भी हम लोग रिकवरी में अच्छा काम किया था। पूरी टीम हमारे देना बैंक के सारे भारत भर में यही काम कर रही है रिकवरी में, और अच्छी रिकवरी करने से हम लोग को जो प्रोविजन करना पड़ता है एनपीए के लिए और हमें जो इंटरेस्ट इनकम की बुक होती है उन सब में बेनिफिट होगा, और उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा कि हम लोग काफ़ी आसान भी थे कि सितंबर क्वार्टर में जो हमारा एनपीए होगा उसमें भी हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे। जो कस्टमर हैं जो देना बैंक के साथ सालों से जुड़ा हुआ है उसके मन में तो कोई ना कुछ सवाल आते होंगे जब वो आपके ब्रांच पे जाते हैं, तो उनको कैसे आप सेटिस्फाई करते हैं, उनको किस तरह से कन्विंस करते हैं? हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर से उनको आशान्वित किया जाए कि भाई ये कुछ समय के बाद में हमारे पास पाबंदी हट जाएगी, क्योंकि जहाँ तक मेरे जो एजेंसी मेरे कस्टमर थे वे तो मानते थे कि मैं बैंक में डिपॉजिट रखा हूँ तो कल आज नहीं तो कल, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए हैं सालों साल हो चुके हैं उन लोगों को, तो उनका पूरा विश्वास बैंक में बना हुआ था। लेकिन जो नए कस्टमर आ रहे थे उनमें कोई भी कस्टमर जब बैंक में जुड़ता है तो ये सोच के आता है कि आज मैं अपनी बैंक से जुड़ा हुआ हूँ तो कल को जाके बैंक से मुझे मदद मिलेगी, ऋण के रूप में लोन मिलेगा, लेकिन जब उसे पता चलता था कि इस तरह से ऐसा कुछ है तब हमारे स्टाफगण बिल्कुल ही उनको समझाते थे कि ये टेम्पररी है, हो सकता है 3 महीने 6 महीने कभी भी जाके तो हटेगा, तब हमारा बैंक बिल्कुल उनको मदद करने तैयार होगा। देना बैंक के नतीजे बहुत खराब थे, नतीजे खराब होने के बाद मोस्ट अवेटेड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देना बैंक का सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर देख पा रहे थे। क्या रिकवरी पे फोकस कर रहे हैं? उम्मीद है शायद रिकवरी हो भी जाए।